गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, हमने हिंदी में एक नए व्यंजन से रिलेटेड एक स्टोरी सुनी थी और कल उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी की थी। यस, और आपको अब मैम को बताना है कि वो व्यंजन कौन सा है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है। बोलिए बोलिए। यस, वो व्यंजन है ध, है ना। और यहाँ पर देखिए एक पिक्चर बना है, मैम ने आपको दिखाया भी था ये पिक्चर। बताइए इस पिक्चर, ये किस चीज़ का पिक्चर है? यस, ये है धनुष। और धनुष किस से स्टार्ट हो रहा है, किस अक्षर से स्टार्ट हो रहा है? यस, ध से। बोलिए ध से धनुष। ठीक है, तो बच्चों आज हम हिंदी में ध को लिखना सीखेंगे। ओके, इसके लिए आपको अपनी हिंदी की वर्कबुक निकालनी है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी हिंदी की वर्कबुक है। ठीक है, इसमें आप ओपन करेंगे पेज नंबर 54। ओके, अभी सबसे ऊपर लिखिए क्लास वर्क एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम आज की डेट। ओके, 1 अक्टूबर 2020, है ना। मैम ने आपको आज असेंबली में बताया है ये इसकी सितंबर मंथ तो ख़त्म हो गया। ठीक है, और अब कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया? यस, अक्टूबर मंथ। ओके, याद रहेगा आपको। वेरी गुड। सो देखिए यहाँ पर भी देखिए पिक्चर बना है, ये क्या है? यस, ध से क्या बताया था मैम ने? ध से धन। ठीक है, और ये ध से धनुष। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं ध कैसे लिखते हैं। ओके, आप ध्यान से देखिए मैम को। ठीक है बेटा, अभी देखिए ध लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ब्लू लाइन से क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल करेंगे ऐसे। ठीक है, हाफ सर्कल या फिर पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसी सर्कल से एक लेफ्ट कर्व लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जो कि सेकंड ब्लू लाइन में टच होगा। फिर यहाँ से एक और कर्व बनाएंगे हम लेफ्ट कर्व, और ये थर्ड ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, पूरा यहाँ सेकंड ब्लू लाइन पे टच नहीं करना है इसको। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इसे हमें सेकंड ब्लू लाइन पे टच नहीं करना है। मैम ने देखिए यहीं पर छोड़ दिया है, राइट। अब हम फर्स्ट ब्लू लाइन से एंड थर्ड ब्लू लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे। ठीक है, और ये स्टैंडिंग लाइन जो है वो इससे टच होगी। ठीक है बेटा, और इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर करेंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अभी मैम ने आपको जब आपने थ लिखना सीखा था तो मैम ने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि ये जहाँ पर जिसके ऊपर ये छोटा सा सर्कल होता है उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए मैम ने यहाँ पर भी नहीं किया है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन नहीं किया, ओनली स्टैंडिंग लाइन के ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन की है। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा ध। ठीक है, एक बार आप फिर से देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। ठीक है, फिर हम एक लेफ्ट कर्व लेंगे जो कि सेकंड ब्लू लाइन तक होगा, एक और कर्व लेंगे जो कि थर्ड ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर के लिए जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टच नहीं होगा, सेकंड ब्लू लाइन पे टच नहीं होगा, इतना ही ऊपर लेके जाएंगे। और फिर फर्स्ट ब्लू लाइन से और थर्ड ब्लू लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, और इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही हमें छोटी सी स्लीपिंग लाइन करनी है। ठीक है बेटा, ये है हमारा ध। ध से धनुष, सर्कल, कर्व, अगेन कर्व जो कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। देखिए अब तो आपको धीरे धीरे सारे व्यंजन बहुत अच्छे से आ गए हैं ना। अब तो आप सभी व्यंजनों को बहुत आसानी से लिख लेते हैं।
है ना। वेरी गुड। तो आपको ये ध भी बहुत अच्छे से अपनी वर्कबुक में नीट एंड क्लीन करना है, ओके। और ये आपका क्लास वर्क है और आपका होमवर्क है, आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ध लिखना है, ठीक है बेटा, ऐसे ही नीट एंड क्लीन, ओके बेटा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।